मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के पहले दिन बेतिया से महरडाले सभागार में जीविका दीदियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने प्रधान सचिव और जिला वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान सात निश्चय नल जल योजना सहित सभी विभागों की समीक्षा की। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि देश की यात्रा भी हम चंपारण से शुरू करेंगे। वहीं किसानों की खाद की समस्या पर सीएम ने जिला पदाधिकारियों को आदेश दिया कि जांच करवाई जाए। वहीं बीएसएससी अभ्यर्थियों पर पटना से लाठीचार्ज के सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कमी है कुछ जगह तो हम खुद भी देख लिए और कई जगहों पर आज जो शिकायत आई है उसके बारे में कह दिया गया है कि निश्चित रूप से एक महीने के अंदर सारा सब कुछ देखने के बाद तुरंत सब चीजों की रिपोर्ट जो आज कह रहे हैं उनको भी दीजिए और हम लोगों को भी भेज दीजिए ताकि इन सब एक एक चीज को देखें। ने कहा है कि बीएसएस छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुई है उन्होंने कहा है कि ऐसा होता रहता है। बीएसएस जो अभ्यर्थी जिन पे लाठीचार्ज हुआ है तो ललन सिंह जी का बयान आया है कि ऐसा तो होते रहता है। बीएसएस जो 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 अभ्यर्थी है बीएसएससी के जो अभ्यर्थी जी कहाँ लाठीचार्ज पटना में लाठीचार्ज ललन सिंह जी का बयान आया।